योगी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 4 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये कि वो कौन से चेहरे होंगे और कौन से दल में होंगे जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो जानकारी के मुताबिक साहिबाबाद से बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा मंत्री बन सकते हैं। उन्हें फोन पहुंच चुका है और सूत्रों के मुताबिक 3 बजे राजभवन पहुंचने को कहा गया है और अब वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहीं दूसरे नाम की चर्चा करें तो आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को भी लखनऊ बुलाया गया है। पुरकाजी से अनिल कुमार विधायक हैं और वही विधायक हैं जिन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराया था और अब खबर ये कि वो मंत्री बन सकते हैं। तीसरे नाम की चर्चा करें तो ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार लंबे वक्त से मंत्री बनने के इंतजार में थे, आज उनका इंतजार खत्म हो सकता है और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। तो चौथे नाम के बारे में आपको बताएं तो 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जाने वाले दारा सिंह चौहान। हालांकि दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद दोबारा से बीजेपी में वापसी कर गए थे और अब दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। तो ये 4 नाम दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार और सुनील शर्मा, ये 4 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस छोटे मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2 ओबीसी, 1 दलित चेहरा और 1 ब्राह्मण चेहरा मंत्रिमंडल में जोड़ा जा सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।